हरियाणा की जो संख्या है वो अधिक होगी और मैं शैलजा जी के नेतृत्व में यहाँ से सिरसा से भी हम एक बहुत बड़े काबिलियत के साथ वहाँ पहुँचे। कल भी लोग रवाना हो गया कल के बिल्कुल कल प्रदेश के मुद्दे हैं और उसके अंदर सिरसा से हर असेंबली से लोग जाएंगे, हमारे कांग्रेस के नेतागण जाएंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। पंचकूला में जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कोई भी प्रोटेस्ट हो अगर प्रदेश लेवल का होता है तो प्रदेश अध्यक्ष ही लीड करता है और जो हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी हैं उनके दिशा निर्देश से ही ये काम हो रहा है और वहाँ सीएलपी लीडर भी होंगे, यानी तमाम विधायक से लेकर कांग्रेस पार्टी से संबंधित हर जो क्षेत्र में जितने भी हमारे है, चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे महिला कांग्रेस है, चाहे एनएसयूआई है, हर संघ का आदमी कल वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकुल बजाएगा और इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। भी शामिल होंगे सभी, ये कांग्रेस का प्रोग्राम है और सभी कांग्रेसी इसमें आमंत्रित हैं और जो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जो इस भर्ती घोटालों के खिलाफ है वह हर व्यक्ति वहाँ होगा। तो क्या मांग क्या करेंगे आप, इसकी जांच की मांग करेंगे क्या? बिल्कुल इसकी हम जांच की मांग करेंगे और हम ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस पर अपनी टिप्पणी दें और बार बार ये पेपर लीक से लेकर बार बार ये पैसों के आरोप लगते आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चों से लाखों लाखों रुपए नौकरी के नाम पे लूटे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर बात रखें। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो ये नागर के पास इतने करोड़ों रुपए क्यों आपके वहाँ से उसके घर से मिल रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं कि हाँ भर्ती घोटाला हुआ है और खुद ही कहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता है, दोनों चीज कैसे हो सकती है? सब या तो घोटाले हो रहे हैं या घोटाले नहीं हो रहे हैं, पारदर्शिता नहीं है। आप एक चीज स्पष्ट कीजिए, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात रहेगी। घोटाले हो रहे, एक एक करोड़ वही का जो काम करने वाला है, जो डिप्टी सेक्रेटरी है, क्या है उसने दिए हैं पैसे? इतने पैसे करोड़ों रुपए सिर्फ एक आदमी नहीं ले सकता, इसके पीछे गैंग है और जो काफ़ी पहले पकड़े जा रहे हैं भी, उन्होंने लीक किए हैं पेपर वगैरह लीक किए हैं, तो ये कैसे संभव है कि सही आदमी की चुनाव हो गया या कोई पेपर लीक ही नहीं हुए? इन सात सालों में ऐसा जो लीक हुए हैं वो पहले कभी नहीं ऐसे, कांग्रेस की भी सरकार रही, दूसरी भी सरकारें रही, और इसका फिर कोई संज्ञान नहीं लेता, ना मुख्यमंत्री जिम्मेवारी लेते हैं, ना मुख्यमंत्री केस किस पे बढ़े हैं, किसको पकड़ा गया है, उस पर क्या धारा लगाई गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अजीब चीज है कि हर पेपर लीक होना, कितने FPSC के जो हैं उसमें SDO भी चुने जाते हैं, DSP भी चुने जाते हैं, जो क्लास वन ऑफिसर है वो चुने जाते हैं, उनमें इतने इतने पैसे दिए जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका विरोध जताएगी और हम आशा करेंगे कि आगे जो आने वाली कोई भी एग्जामिनेशन है हरियाणा सरकार के यहाँ लीक नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री खास तौर पे जिम्मेवारी लें तो ही सही बात होगी। और इसी तरह 12 तारीख है, 12 तारीख जयपुर में, 12 तारीख में पहले 10 सेक्टर और ग्रुप के इसमें कौन से 10 सेक्टर में मीटिंग हुई, उसका इजाज़त नहीं दी, यहाँ कांग्रेस की रैली हुई, कांग्रेस ने तो वहाँ रामलीला ग्राउंड के लिए भी कहा, लेकिन रामलीला ग्राउंड के क्या है, द्वारका में 10 सेक्टर में माने हम तो फिर वो कैंसिल कर दिए। इस तरह से मतलब है किसी को मीटिंग ही नहीं करने देने की इनकी मंच है कि कांग्रेस पार्टी कोई मीटिंग ना करे। अब इसी वजह से आखिर में जहाँ अपना स्टेट में राज है कांग्रेस का, जयपुर है, वहाँ करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हम विरोध प्रदर्शन करते हैं कि जो
जो केंद्र सरकार है उसकी मंशा है प्रजातांत्रिक नहीं है, अप्रजातांत्रिक। इन्होंने किस ढंग से हालात पैदा किए हैं, ये आपके माध्यम से हम जनता को जागरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी का नेता। 12 तारीख वाली दिल्ली का नाम महंगाई हटाओ रहती